जन्नत जूस स्टफ, निया निकाह पैलेस, अस्करी मार्केट, चौराहा जी डी बी नगर, करेली, प्रयागराज। 100% इंडियन फ्रूट, 0% कॉन्सेंट्रेट। स्वामी चिन्मयानंद के दर्शन में हुए पीड़िता के 164 के बयान। शाहजहानपुर में शोषण और रंगदारी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जाँच में तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें पीड़ित लड़की के बयानों की पुष्टि हो रही है। लड़की के किसी दावे को कानूनी रूप में पुख्ता करने के लिए अत्यधिक धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम महिला जज के समक्ष कलमबंद बयान दर्ज करवाए, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत होने वाले बयान की कानूनी वैधता होती है। पीड़ित लड़की का बयान बंद कमरे में जज के सामने दर्ज किया गया। इस दौरान पीड़ित करीब 4 घंटे न्यायालय के कक्ष में मौजूद रही। पीड़िता द्वारा कही गई बातों को सबूत के तौर पर माना जाएगा। एसआईटी अपनी जांच में भी उस बयान को शामिल करेगी। इससे पहले एसआईटी ने इस मामले में लड़की के तमाम दोस्तों, स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम के कर्मचारियों और दूसरे लॉ कॉलेजों की टीचिंग स्टाफ से भी पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान पिछले एक हफ्ते से चल रहा है इसमें स्वामी चिन्मयानंद के समक्ष आश्रम और गेस्ट हाउस समेत उनके बेडरूम की जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 23 सितंबर को हाईकोर्ट के सामने रिपोर्ट सौंपने से पहले एसआईटी हर पहलू से जांच कर रही है ताकि उसे सुप्रीम कोर्ट की फटकार ना खानी पड़े। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही जाते दोषी पर किला हवाले की बात कहकर नाराजगी जता चुका है, लिहाजा एसआईटी के अफसर दिन रात एक कर इस मामले में कथित तौर सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए बुला चुके हैं। साथ ही साथ पीड़ित लड़की के दोस्त संजय सिंह समेत बाकी लड़कों से भी पूछताछ कर चुके हैं। इस मामले में पीड़ित लड़की के पिता का कहना है यह कि उनके पास और भी बेहद अहम सबूत हैं जो कि एसआईटी को सौंपे गए हैं। पिता के दावे के मुताबिक उससे लड़की के आरोपों की पुष्टि होती है। पीड़ित परिवार यह उम्मीद जताई है कि एसआईटी जांच ठीक ढंग से करेगी और जल्द ही मामले से न्याय मिलेगा। आज एसआईटी द्वारा कथित पीड़िता का माननीय न्यायालय में 164 का बयान दर्ज कराया गया है। आज उसका बयान, मुश्किलें कितनी बढ़ रही हैं स्वामी जी का 164 के बयान से? देखिए, हमको कोई मुश्किल नजर नहीं आती क्योंकि केस पूरी तरह साफ है। जिन लोगों ने रंगदारी मांगी उनका गाड़ी में एक वीडियो है जिसमें वो सारी स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी वह एसआईटी के पास विवेचनाधीन है, समाज ने भी उस वीडियो को देखा है। तो पूरी तरह से साफ है कि रंगदारी के मुकदमे से बचने के लिए, स्वामी चिन्मयानंद को बदनाम करने के लिए, उनको फंसाने के लिए कि पूरी तरह षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि जब छात्रा से सुप्रीम कोर्ट ने बंद कमरे में विस्तृत पूछताछ की थी, उसने स्वामी चिन्मयानंद पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। उसके बाद जब मैं राजनीतिक लोगों से मिली तब सारे आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। जैसे कि आपने अभी आरोप लगाया कि एसआईटी जो है दो एफआईआरों पे काम नहीं कर रही। नहीं, मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। क्या लगता है एसआईटी आपके पक्ष में नहीं है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। मैं तो कह रहा हूँ एसआईटी की जांच पर पूरा भरोसा। अब एसआईटी उन्हीं दो एफआईआरों पर जांच करने के लिए, उन्हीं दो क्राइम नंबर पर जांच करने के लिए जिसपे मायने सर्वोच्च न्यायालय आदेश दिया है, एसआईटी उन्हीं पर जांच करती है। और एसआईटी की जांच पर हमको पूरा भरोसा है। जो प्रश्न आपने किया है ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब